हाय फ्रेंड्स, दिस इज अर्जुन वर्मा, योर टेक्निकल फ्रेंड। जैसे कि गाइज, हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि हमारे पास HTML में एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, कौन से एलिमेंट्स होते हैं, और आज हम सीखेंगे हमारे HTML में एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, ताकि आपको पता चले हमारे पास HTML एलिमेंट्स और HTML एट्रीब्यूट्स में क्या डिफरेंस है, और वो दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और क्या होते हैं वो दोनों। तो बिना टाइम वेस्ट के गाइज, चलते हैं हम सीधा अपने वेब डिजाइनिंग के फोल्डर में। यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, लेसन 14। ठीक है गाइज, मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ऑन करता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट की, इसको सेव किया, अपना वेब डिजाइनिंग के फोल्डर में जाके उसी फोल्डर में attribute.html ये हमारी फाइल सेव होगी गाइज। अब हम देखते हैं कि हमारे HTML एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं। तो देखिए गाइज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट दी एलिमेंट्स, मतलब जो HTML एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे जितने भी HTML एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, मतलब जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना HTML में, उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं सबके। सेकेंड पॉइंट क्या है, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट होता है उसके बारे में एट्रीब्यूट एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद है, एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाई इन द स्टार टैग, जो हम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई लिखते हैं वो हम हमेशा स्टार टैग के अंदर लिखते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट यूजली कम इन नेम स्लैश वैल्यू पेयर लाइक नेम वैल्यू, मतलब उसका एट्रीब्यूट जो लिखते हैं हम, एट्रीब्यूट का नेम आता है और एक उसकी वैल्यू पास होती है, वो कहते हैं हम HTML एट्रीब्यूट्स। उसके बाद जैसे कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि गाइज अब यहाँ पे लिखा है द ए टैग डिफाइन एज अ हाइपरलिंक, जो हमारा ए टैग होता है, एंकर टैग, वो हमारा डिफाइन करता है हाइपरलिंक को। और उसके बाद जो उसके अंदर हम HTML एट्रीब्यूट लिखते हैं, तो वो क्या होता है हमारा HTML एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL ऑफ द पेज द लिंक गोज टू, मतलब जो HTML होता है वो हमारा स्पेसिफाई करता है कि हमने कौन से पेज पे लिंक आगे फॉरवर्ड करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंकर टैग, HTML के अंदर हमने वेबसाइट लिखी है, उसके बाद हमारा ये यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है गाइज, इतना समझ आ गया। उसके बाद जैसे कि हमारा आ गया द इमेज टैग इज यूज टू एम्बेडेड एन इमेज, मतलब वो हमारा जो इमेज टैग है ना, वो इमेज को एम्बेड करता है हमारा वेब पेज के लिए। और उसके बाद यहाँ पे द एस सोर्स जो लिखते हैं SCR, वो होता है हमारा एट्रीब्यूट इमेज टैग के अंदर, और वो क्या स्पेसिफाई करता है, हमारा डिस्प्ले करवाता है वो इमेज को पाथ देके। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इमेज सोर्स, उसके बाद हमने अपनी वेब उसका इमेज का नेम लिखा और उसकी एक्सटेंशन लिखी, ये हमारा हो गया। ये जैसे कि हमारा एट्रीब्यूट है और ये उसकी वैल्यू है, ये दो चीज़ें आ गई, इसमें भी हमारा ये एट्रीब्यूट, ये इसकी वैल्यू, ये दो चीज़ें आती हैं ऐसे हमारे पास। उसके बाद गाइस जैसे कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है इमेज टैग, तो इमेज टैग में हमारे पास भी हाइट और विड्थ भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो हम उनको कैसे लिखते हैं ये देखिए। जैसे हमने पिछली प्रीवियस वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने आपको इमेज टैग के बारे में बताया था, और उसके अंदर मैंने हाइट और विड्थ भी बताई थी आपको कैसे यूज़ करते हैं हम। तो ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे इमेज टैग लिया, उसके बाद हमने सोर्स लिया, सोर्स का उसके हमने पाथ दे दिया, उसकी हमने हाइट और विड्थ सेट कर दी, तो एक तरह से ये हमारी नेम हो गया एट्रीब्यूट का और ये उसकी वैल्यू पास होगी, ये दोनों जगह पे ये चीज़ हो रही है। उसके बाद हमारे पास इमेज टैग में हम एक ओल्ड एट्रीब्यूट भी यूज़ करते हैं। ओल्ड एट्रीब्यूट इसलिए होता है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक बताया था कि अगर हमारी इमेज कहीं नहीं भी है, वो अगर गलत पाथ यूज़ हो रहा है, तो इमेज वहाँ पे शो करेगा हमारा कि लिखा हुआ शो करेगा वर्ड्स हमारे जो हमने लिखा होगा ओल्ड टैग में, कि हमारी फर्स्ट इमेज थी या हमारी बैनर इमेज है, कुछ भी है, तो हम इसके अंदर वो चीज़ पास कर सकते हैं। ऐसी गाइज हमारे पास प्री टैग होता है, प्री टैग में हम स्टाइल एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं, अपने जो स्टाइल हमने पैराग्राफ लिखा उसका कलर चेंज करने के लिए या कुछ भी स्टाइल देने के लिए हम ये भी एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। ये हमारा एट्रीब्यूट नेम है और ये उसकी वैल्यू है। ऐसे ही हमारा टाइटल भी लिख सकते हैं एट्रीब्यूट, और उसका नेम लिख सकते हैं हमने टाइटल क्या देना है। तो इतना गाइस आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास HTML में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबके एट्रीब्यूट्स होते हैं, और उन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके हम आगे अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, आपको मैं बताता हूँ एक एक चीज़ जो हमने यूज़ की हुई है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे HTML का अपना फॉर्मेट लिखता हूँ, ये मैंने HTML लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा एट्रीब्यूट, बॉडी में आया। अब बॉडी में आने के बाद ये देखिए गाइस, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये हाइपरलिंक देखा था, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे ए टैग लेता हूँ, एंकर टैग लिया, एंकर टैग के अंदर मैंने इसको भेजना है अपना www.techfriendsolution.com, इतना मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है गाइस, इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके राइट क्लिक कॉपी फाइल पाथ, अपने ब्राउज़र ओपन करता हूँ,
ब्राउज़र पे जाके इसको किया पेस्ट एंटर, तो ये देखिए गाइस हमारे पास वेबसाइट का लिंक आ गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा ऑटोमेटिकली ये उस वेबसाइट के ऊपर चले जाएगा टेक फ्रेंड सॉल्यूशन, जैसे कि ये जा रहा है। अगर ये ठीक नहीं लगता मैं यहाँ से पूरा प्रॉपर उसका उठा लेता हूँ। ये देखिए गाइस टेक फ्रेंड सॉल्यूशन कॉपी, इसका मैंने यूआरएल कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे यूआरएल ही चेंज कर देता हूँ पूरा, पेस्ट, ये मैंने पेस्ट कर दिया। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोबारा यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ बैक करके, ये हमने रिफ्रेश किया। अब इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए गाइस अलग पेज पे हमारा यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो रही है techfriendsolution.com, जैसे कि हमने एंकर टैग के अंदर लिंक पास किया है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई, एट्रीब्यूट यूज़ हुआ हमारे पास इसमें भी एचरिफ। अब इसके बाद हमारा जो ये देखिए, अब इसके बाद हमारा क्या था, इमेज टैग। इमेज टैग का ही मैंने आपको बताया था, तो इमेज टैग भी हम एक बार यूज़ कर लेते हैं इसमें। इमेज टैग यूज़ किया हमने, इसके अंदर हमें बट पहले इमेज रखनी पड़ेगी कोई इमेज, तो मैं एक इमेज रखता हूँ, इसको कॉपी किया, कॉपी करके डेस्कटॉप पे अपने उसी फोल्डर में जाके मैं इमेज को पेस्ट कर देता हूँ। इमेज का नाम दे देता हूँ मैं टू, ये JPG फाइल है हमारी, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2.jpg, इतना मैंने लिखा गाइस। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ दोबारा, ब्राउज़र पे जाके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए गाइस हमारी ये इमेज आ गई है पूरी। बट ये बहुत बड़ी लग रही है क्योंकि हमने इसमें हाइट वीट सेट नहीं करी हुई अभी। इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो आपको दिखेगी, ये देखिए जैसे हमने जूम आउट कर दिया तो आपको ये दिख रही है इमेज हमारी जो थी, ठीक है गाइस। उसके बाद ये जो हमने वेबसाइट खोली थी, हमारी वेबसाइट ओपन होगी यहाँ पे एंकर टैग में जो हमने की हुई थी, ये भी हो गया हमारा। अब इसी के अंदर हम यहाँ पे ओल्ड टैग यूज़ करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, तो ओल्ड टैग यूज़ किया मैंने यहाँ पे, ओल्ड टैग में लिख दिया मैंने बैनर इमेज, यहाँ पे मैंने लिख दिया बैनर इमेज। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके बट इसमें मैं यहाँ पे पाथ अलग दे देता हूँ। इसको सेव किया, पाथ गलत हो गया हमारा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारा बैनर इमेज लिखा हुआ आ गया, ताकि हमें पता चल रहा है कि कौन सी इमेज हमारे पास है। अब मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये मैंने सेव किया, इसको यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो हमारी इमेज आ गई है। और जैसे हमने हाइट और विड्थ एलिमेंट का यूज़ एट्रीब्यूट का यूज़ किया, तो मैं यहाँ पे हाइट लिखता हूँ 200%, उसके बाद मैं यहाँ पे विड्थ भी कर देता हूँ 200%, इसको सेव करता हूँ। सेव करके मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए गाइस हमारी हाइट और विड्थ दोनों सेट हो गई है, तो हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया जो हमने इमेज का किया था यहाँ पे, तो इतना क्लियर हो गया। जैसे हम पी टैग लेते हैं तो पी टैग के लिए मैं पहले यहाँ से कंटेंट ले लेता हूँ, लोरम इप्सम से मैंने यहाँ से टेक्स्ट जनरेट किया, ये मैंने बस इतना टेक्स्ट ले लिया कॉपी, कॉपी करके मैं यहाँ पे आया अपनी फाइल में, यहाँ पे लेता हूँ मैं एक पी टैग, ये पी टैग लिया गाइस मैंने, यहाँ पे इसको किया सेव। सेव करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, तो अभी अगर मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस इसको मैंने सेव किया हुआ है, तो हमारे पास नॉर्मली ये टेक्स्ट आ रहा है। जैसे कि गाइस अभी हमारा पी टैग है, पी टैग के अंदर हम स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, तो हमने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया। स्टाइल एट्रीब्यूट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर, कलर मैंने दे दिया इसका रेड, रेड कलर दिया इसको, इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए गाइस हमारा यहाँ पे कलर चेंज हो गया इसका पैराग्राफ का। ऐसे हम अपने यहाँ पे स्टाइल यूज़ करके अपने फ़ॉन्ट को, अपने वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। आपको इतना समझ आ गया, तो मैं गाइस उम्मीद करता हूँ आपको अभी ये भी अच्छे समझ आ गया कि हमारे पास HTML में एलिमेंट्स कौन से होते हैं और एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, और एट्रीब्यूट को हम कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपनी CSS सीखना, और सबसे पहले जानेंगे कि हमारे पास CSS होती क्या है और CSS के टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप्स की होती है CSS। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।